हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज जो इस वीडियो पर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए, जो गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं 118 दिन के लिए, तो गुरु महाराज वक्री होकर 118 दिन में क्या, कहाँ, कब, कितना, कैसा प्रभाव देंगे आपके जीवन में। पुनर्वसु पुष्य श्लेषा, तीन नक्षत्रों की एनर्जी लेके, ब्रह्मवर्चस्व नामक शक्ति लेके आप चल रहे हैं। विश्लेषणात्मक शक्ति आपके अंदर निहित है। संसार में जो रिश्ते हैं ना, वो आप लोगों की वजह से हैं, क्योंकि भावुकता आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है। चंद्रमा का प्रेम है, चंद्रमा का स्नेह है, और चंद्र संपर्क शक्ति लेके चलता है, इसलिए सबसे बना के रखने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर। गुरु महाराज आपकी कुंडली में कर्म भाव में चल रहे हैं, कर्मा भाव में गुरु। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में यह पाराशर महाराज के अनुसार एक राजयोग बनता है, पाराशरी राजयोग जिसको बोलते हैं। ऐसे में गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 118 दिन के लिए। तो गुरु का पहले मैं आपको विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, गुरु कहाँ, कब, कितने दिन रहेंगे और कैसा फल देंगे, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है ना, टू द पॉइंट। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। इतना टू द पॉइंट डिटेल में वीडियो अन्यत्र शायद ही आपको मिले। तो गुरु महाराज को, जैसे आपको पता है कि 6 अगस्त को ही भरणी नक्षत्र के तृतीय पद अर्थात तुला नवांश में कर रहे हैं गोचर। 3 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, 3 अक्टूबर को द्वितीय पद अर्थात कन्या नवांश में करेंगे गोचर। उसके बाद 31 अक्टूबर को प्रथम पद अर्थात सिंह नवांश में करेंगे गोचर। 27 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के, यहाँ नक्षत्र एक्सचेंज कर देंगे, नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, तो 27 नवंबर को अश्विनी के चतुर्थ पद अर्थात कर्क नवांश में गोचर करेंगे और 31 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 31 दिसंबर को यहीं से मार्गी होना शुरू करेंगे। तो यह गुरु का विजिटिंग कार्ड है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो आपको पता चलेगा 118 दिन में कहाँ, कैसे, कितना फल मिलेगा। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो अपने पिछले घर का फल देना शुरू कर देता है। पॉइंट नोट, पिछले घर मतलब जहाँ पे है उससे एक घर पीछे, जहाँ पे है उससे एक घर पीछे। तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में गुरु क्या है, कर्म भाव में चल रहे हैं, एक घर पीछे फल देंगे, मतलब नवम भाव का फल देना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, भाग्य से होगी। भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम, भाग्य को बढ़ा देंगे, ठीक। गुरु चल कहाँ रहे हैं, तो गुरु तुला नवांश में चल रहे हैं, और तुला नवांश आपके सुख का नवांश है। तो सुख के, सुख में जो परेशानी आ रही थी उस परेशानी को ठीक करेंगे, ठीक है। वक्री होने का मतलब उल्टा होना नहीं होता, वक्री होने का मतलब थोड़ा स्लोली होना या एक कदम पीछे आना, ठीक। आप अचानक कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको याद आया घर में लाइट जल रही है, घर में ये चीज़ छूट गया है, चार्जर छूट गया, चाबी छूट गई, आप लौटते हैं, चाबी चार्जर लेते हैं, घर के व्यवस्था को देखते हैं, आगे निकल जाते हैं। बस सिंपल से थाट में ऐसे ही समझिएगा। तो गुरु वक्री हो रहे हैं, जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको कनेक्ट करके आगे बढ़ जाने के लिए, जो परेशानियां आ रही थी उस परेशानी को ख़त्म करके आगे जाने के लिए। तो 3 अक्टूबर तक ये तुला नवांश में गोचर करेंगे। तुला नवांश आपके लिए बेहतर नवांश है, क्योंकि सुख का नवांश है। तो सुख में जो कमी थी उसको पूर्ण करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे, कोई संदेह नहीं है कि सुख में वृद्धि ना करें। इसके बाद ये कन्या नवांश में गोचर करेंगे। कन्या नवांश आपकी कुंडली में पराक्रम का नवांश है, बंधु बांधवों का नवांश है। तो यहाँ पे भी आप बंधु बांधवों के साथ मिलकर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाइयों के साथ संबंध बेहतर करेंगे, क्योंकि भाई भुजा है, ठीक है। दुनिया में माता पिता के बाद अगर कोई अच्छा रिश्ता आपको सपोर्ट करने के लिए है तो आपका भाई है, बकाया तो वक्त वक्त की बात है, जब तक आपका वक्त है सपोर्ट करेंगे, नहीं अलग होने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं कि संबंध बेहतर करके चलो, तो बेहतर करके चलेंगे। इसके बाद फिर सिंह नवांश में गोचर करेंगे। सिंह नवांश क्या है, आपके लिए धन का नवांश है, धन देने वाला, कुटुंब का नवांश है, बैंक बैलेंस का नवांश है। तो यहाँ पे गुरु बैंक बैलेंस की बात करेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा पैसा तो जमा कर लो, कल को विपरीत परिस्थिति में आप आओगे तो फिर आपको कौन सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए थोड़े से पैसे जमा करते हुए चलो, ठीक। इसलिए यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। इसके बाद 27 नवंबर को कर्क नवांश में, कर्क मतलब आपके लगन का नवांश, मान सम्मान में वृद्धि,
सेहत संबंधी लाभ, हर तरह से लाभ। तो मोटा मोटा चार तरह के फल आपको गुरु देंगे। पहले में सुख देंगे, दूसरे में थोड़ी भाग दौड़ कराएंगे, तीसरे में धन देंगे और चौथे में मान सम्मान लाभ देंगे 118 दिन में। इसमें और क्या होगा? तो गुरु भाग्य भाव एक घर पीछे का फल देंगे, मतलब नवम भाव का फल देंगे। तो धार्मिक यात्राएं आपके साथ होंगी, धर्म की यात्रा करोगे। इस समय धार्मिक पुस्तकें आप बहुत खरीदोगे, पढ़ो या ना पढ़ो पुस्तकें आप फटाक से खरीद लोगे। कभी कभी आप लेक्चर देने में थोड़ा सा ज़्यादा दे जाएंगे। जिनको लेक्चर देना है किनको नहीं देना है इसको सोच के, वक्री गुरु लेक्चर ज़्यादा दिलाता है, उम्र के बड़े लोगों को भी समझाने की कोशिश करता है। ठीक, बुक खरीदने में बहुत महारत हासिल करता है, बुक आपको समझ में आई तुरंत खरीद लेंगे, पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो इस तरह के धार्मिक यात्राएं भी बनती हैं। अब ऐसे गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके धन भाव पे, तो धन की वृद्धि अमृत तुल्य दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि है। तो अमृत तुल्य दृष्टि से धन को, कुटुंब को, परिवार को ठीक करेंगे। सप्तम दृष्टि आपके सुख के घर पर है तो सुख में वृद्धि करेंगे। नवम दृष्टि शत्रु के घर पर है तो शत्रुओं को एन केन प्रकारेण, ठीक है ना, साम दाम दंड भय भेद। गुरु जो है दिन भी बलि होते हैं रात्रि भी बलि होते हैं, पता है ना आपको, इसलिए कि आधे ग्रहों को तो देवताओं को समझा देते हैं, जहाँ जिनके सामने खड़े रहे गुरुदेव प्रणाम, और राक्षसों में भी कुछ लोगों को समझा देते हैं, जो नहीं समझते उनको डंडा लेके पीट देते हैं। टीचर को देखिए क्या होता है, जो क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट समझा के आगे बढ़ा देते हैं, कुछ जो बदमाश होते हैं उनको मुर्गा बना के समझा देते हैं, समझना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे गुरु इस तरह की चीज़ें करके जा रहे हैं। तो जो गोचरी स्थिति है वक्री होके, तो यह एक बेहतर स्थिति है, लेकिन सब लोगों के साथ नहीं। आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, अगर दशांतर दशानुकूल चल रही है तो 100% यह गोचरी स्थिति आपको लाभ देगी। अगर दशांतर दशानुकूल नहीं चल रही है तो वक्री गुरु परेशानी में देता है। आप अपने बर्थ चार्ट में चेक करिए गुरु किस पोजिशन में है, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो गुरु को ही, गुरुता को कायम करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहें। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगा के रखें। आप अपने गुरु को प्रणाम करते चलें, जो धर्म स्थान है वहाँ पे जब भी मौका मिले थोड़ा सेवा करते रहिए, थोड़ी सहायता करते रहिए। नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे।